जी हाँ जी, अभी तो है नहीं यहाँ पे, अभी टाइम लग जाएगा। ये भी एकदम से तो अभी रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे को, वो ये जैसी रिक्वायरमेंट आती है तब मैं कराता हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं रोटी खा गया हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम ऑल गुड शुभांकित, थैंक यू। थैंक यू नमन। हेलो पंकज, यस प्रिंस, डेली 2 PM मेरा टाइम है क्लासेस का। नमस्ते अंकित। नो प्रॉब्लम राहुल, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर न्यू, वी कैन बिगिन टुडे। गुड आफ्टरनून जहांगीर। थैंक यू नमन, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे चल रहे हैं, एंड थोड़ा बहुत पुराना जो क्लास बिगिन होने से पहले हुए थे कुछ करंट अफेयर्स, वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट कम्प्लीटली डेली, बट मोस्टली वी आर कवरिंग डेली बेसिस करंट अफेयर्स। अब डेली SSC ट्यूब पे होगी, इसी चैनल पे पहले लाइव होता था। पहले टॉप रैंकर्स पे लाइव था, अब इस पे लाइव है SSC ट्यूब पे, एंड फेसबुक पे भी होता है, बट आई एम एक्टिव ऑन SSC ट्यूब टुडे। नमन, मैं करंट अफेयर्स सेंट्रल एग्जाम्स के लिए कर रही हूँ। मॉडल नॉट ओनली SSC, ओनली SSC का बैच नहीं है ये मेरा। ठीक है, इट इज फॉर SSC, NTPC, FCI, ऑल दीज एग्जाम्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। इन सब एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए बनाया गया है। ठीक है,
मुकेश पढ़ लो, देखने से कुछ फायदा नहीं होगा मुझे, पढ़ने से शायद फायदा हो जाए एग्जाम में। प्रिंस ओल्ड मंथ्स का भी होगा, बट थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि करंट में जिस दिन ज्यादा नहीं होगा उस दिन पुराना ले लेंगे, ऐसा सीन है। कंप्लीटली पुराना नहीं है। अनुभव सी क्वेश्चंस अगर मैं ज्यादा कराऊंगी तो आपको वैरायटी एक ही टाइप में ज्यादा मिलेगी, यहाँ आपको डिटेल मिल रहा है तो आपको वो उस चीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे कवर हो जाते हैं। प्लस अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए तो जैसे हम कल सेशन कर रहे हैं, एक कंप्लीट रिवीजन अभी तक जितने भी एक्सप्लेनेशन वगैरह हुए हैं, डिटेल हुई है, जितने भी सेशन हुए हैं उसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन का, तो वो वाला देख लेंगे, ठीक है? तो उसको आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए तो। थैंक यू अंकित शर्मा, थैंक यू सो मच। ओके साई प्रशांत, इंग्लिश टू, यस। मंथली बेसिस का जो सम अप होगा जो मैंने अभी आपको बताया, कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड कंप्लीट सॉर्ट ऑफ रिवीजन, तो वो सम अप जो होगा दैट विल बी सॉर्ट ऑफ इन टू आई 2 और 3 मंथ, 2 और 3 वीक्स। योगेश पीडीएफ या जो कंटेंट आपको चाहिए वो सून लिंक बन जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक से आपको जो कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगी। जैन से मई तक, प्रिंस जैन से मई तक का कवर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि करंट अभी भी काफी चल रहा है, ठीक है? पर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा थोड़ा तो हम पुराना भी लेते जाएंगे। जैसे बीच बीच में आपने देखा होगा कुछ फेब्रुअरी एंड मार्च के भी कवर हुए थे, सो इसलिए धीरे धीरे कवर होता जाएगा पुराना भी, बट एकदम से यू एक्सपेक्ट कि जैन का पूरा कर ले ऐसा सेशन नहीं हो पाएगा। अनमोल मैगजीन्स कितने मंथ्स का करना होगा? मैगजीन्स आप वैसे तो मंथली अराउंड 8 मंथ्स की मैगजीन तो आपको एटलीस्ट करनी पड़ेंगी, नो डाउट ऑन दैट। एटलीस्ट 8 मंथ्स मैगजीन अगर आप अभी एग्जाम अपियर कर रहे हैं उसके लिए 8 मंथ्स। ओके सो शैल वी बिगिन आवर सेशन फॉर टुडे देन? ओके सो हेयर वी कम फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ऑब्जर्व्ड? एनटीपीसी के लिए 6 to 8 months। एसएससी के लिए 6 months आई वोंट से सफिशियंट, 1 year विल बी वेरी सफिशियंट, 8 months, 6 to 8 months इज क्वाइट गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ऑब्जर्व्ड? सो शुभांकित से सी, सी इज 26 अप्रैल। ओके शैलेंद्र ऑन 26 अप्रैल। ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल हीरा एंड सनी। अनुभव ऑन 26 अप्रैल। शुभम मुत्तम ऑन 25 अप्रैल। रोशन आनंद सी 26 अप्रैल, 26 अप्रैल। ओके सो एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज ए 24 अप्रैल, जो आई थिंक किसी ने गेस नहीं किया। सो 24 अप्रैल इज द इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस डे, जिसके अंदर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रीज के बीच में पीस मेंटेन करवा के रखने का, ठीक है?
सेकंड दोनों करना होता है. यू कांट कंप्लीटली गेस एंड यू कांट कंप्लीटली इग्नोर करंट अफेयर्स. ठीक है, बट हाँ नहीं आता है तो यू हैव आंसर्स हियर. सेकंड, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द हेड ऑफ FAO बाय इंडिया. अनुभव ऑप्शंस इतने पास इसलिए होते हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, जैसे अभी हो गए थे. तो सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द हेड ऑफ FAO बाय इंडिया. इंडिया की तरफ से FAO को हेड करने के लिए किसका नॉमिनेशन भेजा गया है? रमेश चंद्र, डेविड मुकवेज, केथरीन डिसूजा और मुदित पांडे. FAO is Food and Agriculture Organization, Shailendra. So answers are Kathrine and Ramesh Chandra. Okay. There is a confusion amongst you. The correct answer is A, Ramesh Chandra. Ramesh Chandra ka nomination gaya hai FAO ko head karne ke liye. FAO is Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Organization, United Nations ka ek subsidiary hai, FAO, and uske nominated head hai. एंड इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO कहाँ है? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO? सो द हाग, पेरिस, रोम और वॉशिंगटन. So Rahul says Rome. Dashrath on C, Rome. Learner Circle, Rome. Anubhav Pathak on Rome, option C. Okay, so answers are here and maximum come to Rome. Okay, so the third is correct. It is C, Rome. Rome के अंदर FAO यानी Food and Agriculture के headquarters हैं. ठीक है. Establishing year of FAO 1945 है and India 1945 से FAO का member है and Pakistan became the member in 1947. ठीक है. India की तरफ से FAO के head सिर्फ एक रहे हैं, who is Binay रंजन सेन. इंडिया की तरफ से FAO को हेड करने के लिए सिर्फ एक पर्सन रहे हैं, हु इज विनय रंजन सेन फ्रॉम 1956 टू 1967. ये इनका टर्म पीरियड था FAO को हेड करने के लिए. इंडिया हैज बीन मेंबर सिंस 1945. ठीक है. एंड पाकिस्तान इन 1947 जॉइंड इट. नॉर्मली इसका टर्म पीरियड जो है वो रहता है 4 years का. हेड का जो टर्म पीरियड है वो 4 years का होता है, बट विनय रंजन हैड डन इट फॉर मोर देन 10 years. प्रेजेंट हेड कौन है? प्रेजेंट हेड ऑफ FAO Who is the present head of FAO? So it is Jos Graziano Da Silva. He is the present head of FAO and inka term period July 31 tak rahega. 1st August ko new
अपॉइंटमेंट होगा जिसके लिए नॉमिनेशन अभी इंडिया की तरफ से गया था. फोर्थ, एफएओ का इंडिया में ऑफिस कहाँ है? FAO's office in India, Mumbai, Bengaluru, New Delhi or Gurugram? Where is the office of FAO in India? Mumbai, Bengaluru, New Delhi or Gurugram? New Delhi, New Delhi, Bengaluru, New Delhi. Okay, so answers are here and the correct is C, New Delhi. New Delhi mein FAO ka headquarter hai. Yes, 80% New Delhi में ही होता है. Fifth question. Yes, Ritik, you recognized right. Fifth question. What is SAECK, which is being distributed by Union Ministry of Home Affairs? First aid kit, safety travel kit, women safety kit or rape investigation kit? What is SAEK, which is being distributed by Union Ministry of Home Affairs? First aid kit, safety travel kit, women safety kit or rape investigation kit? Anmol says B, safety travel kit. Rahul says women safety kit. Mukesh, rape investigation kit. Vishal says rape investigation kit. Okay, safety kit. Safety travel kit. Okay. Shubhankit on C, women safety kit. Rape investigation kit. Okay. So the correct answer is D, rape investigation kit, SAECK. Union Home Ministry ki taraf se distribute ho raha and it is a rape investigation kit which has been bought up recently and isi se related sixth question ki SAECK ki full form kya hai. Okay, so Ankit says D, sexual assault enforcement control kit. Ankit, your options and your words do not match. It is C and D. You are confused. Okay, so now you have to see option. Okay. Yash says D. Anubhav, D. Rahul says B, sexual assault evidence and control kit. Fazal Rahman says B, evidence and control kit. So I can see there's a confusion between C and B, which is going on, which is evidence collection kit or evidence and control kit. Okay, so the correct answer is C, sexual assault evidence collection kit. Ye kit jo hai, SAECK, ये होम मिनिस्ट्री ने बनाई है फॉर कलेक्शन, फॉर इनिशियल कलेक्शन ड्यूरिंग रेप केस. रेप केस कोई भी आता है तो ब्लड एंड सीमन कलेक्शन के लिए इस किट के अंदर
टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। इनिशियल टेस्टिंग के लिए होता है, जिससे कि जो आप लोगों के पास जो सैंपल कलेक्ट हुआ है उससे कंफर्मेशन हो जाए एंड कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। सो इनिशियल किट है ये, जैसे फर्स्ट एड किट होती है उसी तरह से। कोई बात नहीं, ये भी गलत हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन दिखे तो गलत नहीं होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन, लॉ मेकर्स ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड अ बिल दैट लेबल्स यूएस मिलिट्री फोर्स एज टेररिस्ट। किस कंट्री के लॉ मेकर्स ने यूएस मिलिट्री फोर्सेस को टेररिस्ट का करार दिया है? सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और ईरान। नो प्रॉब्लम अनुभव। सो विशाल सेज ईरान, पंकज ऑन दी ईरान, दी ईरान के, फजल सेज सीरिया। डी अंकित सेज ए सीरिया। So it is either A or D, जो confusion है, it is D. You can't say an option, आपको वहाँ पे option नहीं मिलेगा, either A or D. So the correct answer is D, Iran. Iran ने US के military forces जो भी ईरान में है उन सबको as a terrorist बोल दिया है। As a result of what? क्यों किया है ऐसा? Recently United States ने ईरान की एक मिलिट्री फोर्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया था, ठीक है। सो इसीलिए इसी रिप्लाई में ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को एज अ टेररिस्ट बोल दिया है। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? एनीवन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? Yes, Islamic Revolutionary Guard Corps were declared terrorist by United States. So it was a tit for tat kind of situation. So what is the capital of Iran? Very correct, Tehran. What is the currency of Iran? Currency of Iran kya hai? Iran, Tehran, yes, it is a very rhyming. So what is the currency? Capital is Tehran, currency? Currency Vishal, okay, so currency is Rial, Iran, Tehran, Rial. Now the fourth, who is the current head, or you can say president? President kaun hai? Who is the president of Iran? Mukesh Kumar says Hassan Rouhani. Okay, so here are the answers and very correct. It is Hassan Rouhani. Hassan Rouhani is the president, capital Tehran and currency Rial. Next question. Where is the first
edition of Naval Commanders Conference 2019 scheduled. First edition of Naval Commanders Conference 2019 कहाँ पे होने वाली है? First edition of Naval Commanders Conference 2019 कहाँ पे होने वाली है? New Delhi, Mumbai, Chennai और विशाखापट्टनम. So Mukesh Kumar, New Delhi, Rahul Wankhede, New Delhi, and Mol says the Vishakhapatnam. Shubham says New Delhi, Rahul Sharma, New Delhi, Sahil Arora, New Delhi, Anubhav Pathak, Vishakhapatnam. Roshan Anand says A, New Delhi. Okay, so maximum are correct. It is A, New Delhi. So the first edition of Naval Commanders Conference 2019 will be held in New Delhi from 23rd to 25th. From 23rd to 25th, it is going to be held in New Delhi. Next question. Ninth question. Where have the Asian Badminton Cups begun? Yes, Ritik, I know you. I clearly remember who are you, Ritik Khandelwal. So, ninth question. Where have the Asian Badminton Championships begun? Asian Badminton Championship, kahan pe? No, it is not necessary, Rahul, ki New Delhi mein hi ho. Okay, so Rahul says China, Mukesh on China. China, okay, Shivank on China, Deepak on China. Sanjay, China, surely. Tosif on China, Shubhankit on China. Okay, so the correct answer is C, China. So the Asian Badminton Championships are being held in China, which is in Wuhan, China. Wuhan, China. Asian Badminton Championships are being held in Wuhan, China, 23rd to 25th April. Wuhan, China, May 23rd to 25th April, Asian Badminton Championships are going to be held. Tenth question. Shailendra, yes, I am an alumni of DPS. So 10th question, which of these institutes have been ranked 12th in APAC and 61st globally in the QS Executive MBA Rankings 2019? So Rahul says I am Bangalore. Tosif says A, I am Bangalore. Deepak says A. Okay, so I have DPS students here. That's good. Sagar says I am Bangalore. Anil Upadhyay A, Bangalore. Shivank, I am Bangalore. So that you all are correct. Actually, it is AIIM Bangalore. IIM Bangalore has been ranked 12th in APAC and 61st globally in QS Executive MBA Rankings. ये दोनों जो ranking है APAC and QS की, ये दोनों world की universities को ranking करते हैं, जिससे कि students को easy रहे assess करना कौन से college में जाना है. So IIM Bangalore has continuously maintained its strata in these. Again, rankings mein IIM Bangalore has maintained its
स्ट्रेटा. कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन आरटीएस SAS01 लॉन्च्ड. ओके, सो राहुल इज अगेन ऑफ डीपीएस, गुड. So show some intelligence of DPS and answer these questions correctly. DPS के बच्चे अलग से पता चलने चाहिए फिर. In answering quick. So where is the world's first malaria vaccine launched? Tosif says C, Africa. Pankaj on C. Chubham on Malawi, Africa. Okay. Nirman on Africa. Content आपको अभी हिंदी में नहीं मिलेगा सर, हिंदी में कंटेंट नहीं है. इंग्लिश में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो हो सके तो. साई says Africa. Okay. Sagar says KV is best. Okay. So the correct answer is C, which maximum have it right. It is Africa. Malawi, Africa ke andar first malaria vaccine launch hui hai, which is for the students of two, for the children of 2 years and below. 2 saal ya usse kam ki age ke bachon ke liye ye vaccine hai. Trial method pe aayi hai abhi. एंड अफ्रीका में क्यों लॉन्च करी है, इट इज बिकॉज अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा डेथ्स ड्यू टू मलेरिया वर फाउंड. तो इसीलिए फर्स्ट वैक्सीन का ट्रायल अफ्रीका मलावी के अंदर होगा पहले. केनिया एंड गाना विल सून इम्प्लीमेंट इट टू. ठीक है, इट्स ओके प्रोमित, अब से क्लास SSC ट्यूब पे होगी, सो डोंट वेट ऑन टॉप रैंकर्स चैनल. नाउ यू आर गोइंग टू गेट क्लासेस ऑन SSC ट्यूब. 12th. थैंक यू निर्माण. सरकारी स्कूल बेस्ट, सरकारी जॉब बेस्ट, एवरीथिंग इन सरकारी इज बेस्ट. ओके, मूविंग टू द 12th. द एंटायर स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन सोल्ड. आई एम सॉरी अबाउट दिस क्वेश्चन. सागर लाइव टाइमिंग की क्लासेस 2 PM. ठीक है, डेली 2 PM. 13th question. Which of the countries have agreed to set up a joint border reaction force to combat attacks by militant groups on both sides? So, kis countries ne joint border reaction force set up kiya hai to combat militant groups ke aapas ke jhagde ko combat karne ke liye? Yes, Anubhav, right, except sarkari hospitals, but still you go to sarkari hospitals. Good morning, Sparky. Tausif says A, Iran and Pakistan. Sai Prashant, India and Bangladesh. Vaibhav, China and India. Pankaj, Iran and Pakistan. Shailendra, SSC tube now. Pehle top rankers pe tha, now I'm on SSC tube. अदरवाइज दोनों पे, बट प्रेजेंटली अभी मैं SSC ट्यूब के कमेंट्स रीड कर रही हूँ. एनली क्लास का टाइमिंग 2 PM मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ. सो रिएक्शन फोर्स जो बना है किन दो कंट्रीज के बीच में बना है? So options are A, Iran and Pakistan. Okay, maximum going on this. Some are on India and Bangladesh too. A, Yash says A, Sparky A. Okay, so the correct answer is A. Iran and Pakistan ne reaction force set up kiya hai militant groups ko combat karne ke liye. इन दोनों की आर्मीज के बीच में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स या क्रॉस बॉर्डर सीज फायर बहुत ज्यादा होते थे. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने रिएक्शन फोर्स सेटअप किया कि कभी भी अटैक होता है तो दे कैन काउंटर अटैक इमीडिएटली. ठीक है, नो प्रॉब्लम तौसिफ, यू कैन कवर द 9 क्वेश्चंस इन रिकॉर्डिंग, नॉट अ प्रॉब्लम.
ओके सो 14th क्वेश्चन, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च डेबिट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन ऑन NPCI's ई मैंडेट API? एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक और HDFC? नो अनिल, इट इज मैक्सिमम 1 आवर. कंप्लीटली हिंदी की नहीं होगी बॉक्सर, आई एम वेरी सॉरी, कंप्लीटली हिंदी बेस्ड नहीं कर सकती मैं. हाँ, जो कंटेंट है इंग्लिश में, अदरवाइज आई कैन डू सम इन हिंदी वर्बली, बट रिटन में इंग्लिश नो. ट्राई टू डू इट इन हिंदी एंड आंसर्स आर हेयर एज बी एंड डी. कोटक नो डाउट, ओके. HDFC, कोटक महिंद्रा. ओ माय गॉड, देयर इज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. पार्की से सेट्स कोटक महिंद्रा. ओके, आंसर्स ऑन डी, कोटक महिंद्रा, डी HDFC. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, कोटक महिंद्रा. कोटक महिंद्रा हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च डेबिट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन ऑन NPCI's ई मैंडेट API. ये है क्या? NPCI का एक इनिशिएटिव था, नाच, NACH. ये इनिशिएटिव था ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिक अकाउंट क्लियरेंस हो जाए, कि आपको किसी को पेमेंट, या यूजुअली बिजनेस अकाउंट्स में काम आता है ये, कि पेज वगैरह करनी होती है तो मंथली बेसिस पे जो करना होता है तो अकाउंट उसी हिसाब से मंथली या रेगुलरली, जो भी आप रखते हैं, रेगुलर है, मंथली है, तो वो क्लियरेंस अपने आप होता जाए. इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. सो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया है यूजिंग डेबिट कार्ड. यूजली ये बहुत ये प्रोसेस लंबा होता था, पेपर वर्क होता था इसके अंदर. नाउ इट हैज बिकम ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो गया है ये, अन यूजिंग डेबिट कार्ड. तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो गया था, अब डेबिट कार्ड के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि और शॉर्ट प्रोसेस हो गया है इसका. ठीक है, तो कोटक महिंद्रा हैज बिकम द फर्स्ट बैंक जिसने ये डेबिट कार्ड के थ्रू भी वर्क कर दिया है. 15th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म फॉर होलसेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग? यस, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ NPCI. यस, इट इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट चार्ज ऑन UPI टू. सो हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म फॉर होल सेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग? यूपीएससी, मैंने यूपीएससी का CDS एंड CAPF दूंगी अभी. सो हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म फॉर होल सेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग? बिटगो, बिटफिनेक्स, बायू कॉइन और बिटमैक्स? संजय से सी, स्पार्की से सी, सनी से बायू कॉइन, बायू कॉइन सी. ओके, सो द आंसर्स आर करेक्ट, इट इज सी, बायू कॉइन. बायू कॉइन ने होलसेल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बिगिन करी है एंड इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेड, फ्री फ्री ट्रेड होगा. फ्री ट्रेड यानी कि आप लोगों को इसके अंदर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए. ठीक है, एंड होलसेल सेल इसके अंदर, होलसेल क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होगी विदाउट एनी चार्जेस. नेक्स्ट, 17th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट
यस धर्मपाल, इट इज बाय यू कौन? नो, प्रॉमिस्ड क्रिप्टो करेंसी अभी तक आरबीआई या सेबी या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं है. इसके ऊपर अभी कंट्रोल करने के ऊपर अभी कुछ रेगुलेशंस चल रहे हैं गवर्नमेंट में कि इसको कंट्रोल कर सके. ठीक है, एक आई रख सकते हैं कि कहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग हो रही है, बिकॉज इसके अंदर ब्लैक ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है. क्रिप्टो करेंसी इज नॉन ट्रैकेबल. तो अभी इसके ऊपर चल रहा है, बिल्स एंड डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, बट इट इज नॉट एन ऑथराइज्ड फॉर नाउ. सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक? आंसर्स आर ए बी सी डी. ऑल द फोर ऑप्शंस आई कैन सी इन द कमेंट्स आर शुभ्रानी कुमार, ओके, करनाम शेखर. द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए, ऑप्शन बी, दैट इज आर सुब्रमणि कुमार इज द करंट वन, जो अभी इनका टर्म पीरियड ओवर होने वाला है एंड न्यू अपॉइंटमेंट करनाम शेखर को मिला है फॉर एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक. ओके, ऑप्शन बी सुब्रमणि कुमार इज द करंट वन, जिनका अभी टर्म पीरियड खत्म हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. When is the National Panchayati Raj Day celebrated? National Panchayati Raj Day कब celebrate होता है? 20th April, 22nd April, 24 April और 26 April? That's good, Aman. ट्वेंटी फोर्थ, 22nd. सो इट इज मैक्सिमम आर करेक्ट, इट इज 24th April. ऑप्शन सी 24th April. नेशनल पंचायती राज डे 24th April को सेलिब्रेट किया जाता है. 24th April 1993 में, इसी दिन 1993 में पंचायती राज के लिए जो अमेंडमेंट आया था वो इम्प्लाई हो गया था, एंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 2010 में मनमोहन सिंह, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 24th अप्रैल को एज अ नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट होने के लिए प्रोविजन दे दिया था. ठीक है, नाइनटीन्थ. व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट? वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्लोटिंग कौन सा है? इज इट कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, फुकुशिमा दायनी न्यूक्लियर पावर प्लांट, हानुल न्यूक्लियर पावर प्लांट और अकेडमिक लोमोनोसोव न्यूक्लियर पावर प्लांट? अमित, 1993 में अमेंडमेंट आया था. ठीक है, उस अमेंडमेंट में पंचायती राज सिस्टम का आया था, एंड 2010 के अंदर इसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था. ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से. ओके, सो द आंसर्स आर हियर एज डी एंड इट इज वेरी करेक्ट, मैक्सिमम आर करेक्ट, इट इज डी. अकेडमिक लोमोसोव न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड. इसके अगेंस्ट भी काफी लोग हैं, फेवर में भी काफी लोग हैं. फेवर्स प्लस पॉइंट्स भी हैं, इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं. माइनस पॉइंट्स में जो रखा जा रहा है वो है, एक शेरनोबिल केस हुआ था, एक शेरनोबिल ब्लास्ट. ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए पीपल आर अगेंस्ट दिस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं.
मूविंग टू द 20th, 20th क्वेश्चन इज हु वॉन गोल्ड इन एशियन रेसलिंग वर्ल्ड इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019. ओके प्रशांत, कोई भी बैंकिंग टर्म आएगी आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इन डिटेल. इट इज इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया. फॉर दोज़ हु आर आस्किंग कहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक्चुअली उनके लिए जिन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है, जो एरियाज नॉर्दर्न साइड में ज्यादा है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है नॉर्मली, उनके लिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके, इसके लिए ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है. ओके सो आंसर्स आर हियर आर सी सी बजरंग पूनिया. ओके सो द आंसर्स आर हियर एंड वेरी करेक्ट. 20 is C. He is the world number one in wrestling and he has won gold in Asian Wrestling Championship 2019. Next, 21st. Chernobyl case, Ukraine ka hai. Chernobyl case was in Ukraine, 1986. So 21st is what is the theme of World Book Day, which is celebrated on 23rd April every year. 23rd April ko World Book Day celebrate hota hai. Uska theme kya hai? Share a story, share a book, read a book, a story worth sharing. Pawan Sinha says C, read a book. Harshit Maurya says share a story. Mukesh says a story worth sharing. Promit says a story worth sharing. Okay, so the answers are here and the correct one answer is A. Share a story. Is bar ka World Book Day ka theme tha share a story, and isi se related we have the next question. What place has been declared as the World Book Capital? World Book Capital kisko declare kiya hai on the World Book Day? Sharjah, UAE, Kuala Lumpur, Malaysia, Athens, Greece or Italy, Rome? So what place has been declared as the World Book Capital? Anubhav UAE, Promit UAE, Sarja UAE. Answers are coming and it is okay, so I can see nearly everyone on option A and it is correct. Sharjah, UAE has been declared as the World Book Capital for 2019. Kuala Lumpur, Malaysia will be the book capital for 2020. Kuala Lumpur for 2020. Yani next year World Book Capital will be Kuala Lumpur. Which sports person has clinched India's first gold in 2019 Asian Athletics Championships in Doha? Sagar, day-to-day current affairs hote hain majorly, theek hai, and baki thoda purana bhi liya jata hai isme. So, first gold in 2019 Asian Athletics Championship. Kisne grab kiya hai? Hima Das, Duti Das, Gomti Mrimuthu or Krishna Punia? Ankit says Punia. Prashant says Gomti.
हर्षित ऑन गोमती, ऑप्शन सी। ओके सो द आंसर्स आर हेयर एंड मैक्सिमम आर करेक्ट, इट इज ऑप्शन सी। गोमती मृतमु हैज बीन द फर्स्ट टू क्लिंच इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेजो सबके लिए अभी। 24th, विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द 2019 संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी 2019 किस को मिला है? विच टीम गॉट इट? यश से सी पंजाब, अंकित ऑन डी सर्विसेज। ये सर्विसेज ऑप्शन डी सर्विसेज। स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस बहुत है, दैट्स गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सर्विसेज। सर्विसेज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2019, इट बीट पंजाब 1-0 या 1-0 का स्कोर से सर्विसेज वॉन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच इंडियन मूवी हैज वॉन द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एट 2019 बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कौन सी इंडियन मूवी है जिसको बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला है इन 2019 बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? उड़िया, भयानकम, ईडा और कायम कुलम कोचुन्नी। आई टू डोंट लाइक टी, इट्स ओके। ओके सो आंसर्स फॉर 25th आर हेयर। तौसिफ सेज बी, शोविक सेज बी। किसका डिटेल चाहिए भंवरलाल, कौन से क्वेश्चन में चाहिए स्पेसिफाई प्लीज। सो ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच मैक्सिमम ऑफ यू हैज हैव इट राइट। इट इज अ मलयाली और अ मलयालम मूवी भयानकम, विच हैज वॉन द 2019 बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एंड इसे 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला था। ओके सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडे सेशन, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। कल का सेशन इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड अ रिपीटिशन और यू कैन से रिविजन। ठीक है, सो फॉर दोज जिनको लगता है रिविजन की जरूरत है, दे कैन अटेंड टुमोरो सेशन। थैंक यू संजय। सी राहुल, मुझे हर स्टूडेंट का देखना है, किसी को डिटेल चाहिए, डिटेल्स भी जरूरी है। सम वांटेड इन डिटेल, सम वांटेड एन ओवरली व्यू। तो जिनको ओवरली व्यू चाहिए वो ओवरली क्लास लें, जिनको डिटेल में चाहिए, जिनको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई हर एग्जाम के लिए हमें जरूरी है, तो उन वो लोग डेली सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड कल वाला सेशन फॉर एवरी वन बी प्रिपेयर्ड। लास्ट के अभी 2 वीक्स में जितना भी हमने पढ़ा है उन सब से रिलेटेड कल के क्वेश्चंस होंगे। सो टुमारो इज गोइंग टू बी एक्टिव डे फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशन। गुड बाय।